नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो महाबली हनुमान। तो मेरे प्यारे मित्रों, वारदात है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योति इस कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आज बात करेंगे एक बार फिर से आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में तथा आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज किसी 34 कार्यक्रम में और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेटा खुद चलकर आपके पास आई की या स्त्री। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही स्वदेशी और आपने जे 7 मिलियन पर देखा और पढ़ा है, बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होने वाला है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में आप जीन से सच्चा प्यार करते थे, जो आपको छोड़कर चली गई थी, अब वह आपके पास खुद चलकर आई कि मैं दावे के साथ के को मात्र 72 घंटे के अंदर यह कन्या खुद आपके पास चलकर आए की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी महत्व पूर्व भविष्यवाणी आप सबके लिए होने जा रहा है। दोस्तों, आज तक आपको ऐसी भविष्यवाणी YouTube पर नहीं मिला होगा जो कि यह भविष्यवाणी आपके पूरे भविष्य को बदल कर रखते, कि दोस्तों कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी भविष्यवाणी आपके साथ हो रहे थे महाबली हनुमान भगवान भोलेनाथ के। फिर बाद से आप के जीवन में या स्त्री खुद चलकर आएगी। दोस्तों, मुझे पता है आपके जीवन की एक एक बड़ी बड़ी परेशानी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सारी परेशानी के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बड़ी सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि मात्र 72 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक बड़ा महा आरती फ्रूट योग्यता के निर्माण होने जा रहा था। कलयुग में कई साल बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। सच में उम्र भर पलटाव के मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम अपने मन से यह जानकारी आप सभी को ने की रहे से, बल्कि आंतरिक में बैठे हुए आपके राशि ने हमें इस बात का संदेश भी राखी कि आपकी कुंडली में महाभी होती का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, सचमुच में या स्त्री आपके जीवन में खुद चलकर आएगी। दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस भी सच्चा प्रेम करती थी, दोस्तों आखिर यह आपके पास क्यों खुद चलकर आएगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में अच्छे गर्व कीजिए ही ने काम किए हैं कि आप अपने जीवन काल में किसी को धोखा नहीं थी। दोस्तों, हो आपको ही किसी ने धोखा दिया है जो खुद चलकर आपके पास आई थी। तुम सब कुछ छोड़कर पहले इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। मुझे पता है आपके जीवन की तमाम परेशानी के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अच्छी करण ही अच्छे कार्य की थी, जिसे देखकर यह पूरी तरह से आपके कोई प्रकाशन हो चुका है। दोस्तों, जो कि या फिर से आपके पास खुद चलकर आई थी, इसीलिए क्योंकि आप अपने जीवन काल में किसी भी महिला को कथित अपमान नहीं कि ही किसी भी स्त्री के साथ आप कभी पूरा नहीं कही थी, जो या फिर से आपके करीब आ चुका था और आने वाले मात्र 72 घंटे के अंदर सचमुच में स्तरीय आपके सामने आई थी। दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि आपके जीवन काल से या कुछ समय के लिए आपसे दूर चले गए थे, लेकिन आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके कि जो आपके बिना रह ही पाई थी, खुद चलकर आपके पास आने वाली है मात्र 72 घंटे के अंदर। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस समय आपके आंतरिक में बैठे हुए आपके राखी ने हमें किस बात का संदेश दे रहा है। इस समय आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में हर एक एकड़ क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की उम्मीदें नजर आ रही थी। इस समय आपकी किस्मत में वहां अति फूट बदलाव होंगे। आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार खाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आपने सच तो यह गई थी। इस बार कैसी बातें महाबली हनुमान जी के फिर बाद से सब कुछ अच्छी होने जा रहे थे, क्योंकि इस बार के फिर बाद से आपको इस समय अच्छे भी जल का परिणाम मिलेगी। अच्छी खुशखबरी क्या आपको मिलेंगे,
अच्छी बदला पर अच्छे परिवर्तन आपके साथ मात्र 72 घंटे के अंदर होने वाला था। दोस्तों, कलयुग में पहली बार यह चमत्कार आपको मिलने वाला था। यह चमत्कारी घटना आपके जीवन में आपकी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगी। दोस्तों, सचमुच में आपके जीवन में बहुत बड़ी भयंकर तूफान आने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दे, आपके जीवन काल में सचमुच में या कन्या आई थी और फिर से या कन्या आपके जीवन में आकर और आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे। कि दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आप सबके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो को आपके ग्रह है और आपकी कुंडली को देखकर मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है। इसीलिए सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी भक्तगण इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे वह पूरी तरह से मालामाल हो जाएंगे और खुशी के साथ साथ नाचने पर भी मजबूर हो जाए कि मैं लिख कर देता है। दोस्तों, अगर यह भविष्यवाणी गलत होगा तो तुमरत मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि सचमुच भी इस वीडियो में आपके एक एक क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी का क्षेत्र हो या फिर आपका भिलाई का क्षेत्र को, तो दोस्तों आपको बता दे, राजनीतिक क्षेत्र हो तो आपको हर एक एक एकड़ क्षेत्र में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर राष्ट्रीय। दोस्तों, साथ ही साथ चंद्रमा भी संकेत दे रहे हैं कि आपकी कुंडली में है, वहाँ एटीट्यूड योग का निर्माण हो जा रहा था। दोस्तों, वहाँ एटीट्यूड योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रहा है कि यह बहाया ट्रिब्यूट योग के भी बारे में आपको बताऊंगा। आपकी कुंडली में आखिर वह कौन सा योग का निर्माण हो रहा है, आखिर यह योग आपकी कुंडली में कैसा बना सकते हो। दोस्तों, आपको बता दूं, वीडियो को गिरफ्तार करने से पर साथ ही से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करती हूं कि जो भी बाबा भोलेनाथ के भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त ही महाबली हनुमान जी की सच्ची भक्ति ही इस वीडियो को एक प्यारा था लाइक करते होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री बालाजी चाहता हूँ नारा लगाता होगा। 3 बार बालाजी का नारा लगा देगा मात्र 72 घंटे के अंदर बालाजी के फिर बाद से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का था जयकारा लगा था की का जाए महाकाल। दोस्तों, और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह तो हमारे चैनल को ही आप सब्सक्राइब का लिखेगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेगी। आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप एक एक बात हम आज विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको मेरी बातों अच्छे से समझ में आई। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं या फिर आप वीडियो होता रहा था देख सकते हैं। आपका कोई खर्च नहीं होगा, आपका इसमें कोई रुपया और पैसा लगेगा। आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मुफ्त में करा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो के हर एक वीडियो में कई तथा तरह के होने वाले रोजाना उपाय के बारे में बताता था। दोस्तों, आप अपने जीवन में ये उपाय करने से आपको भगवान की अस्थिर बाल प्राप्त होगी, शमी देवी देवताओं की शुरुआत प्राप्त होंगे और इससे आपके जीवन में धन भी लाभ होंगे। दोस्तों, आपको बता दे, यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप अपनी परेशानी की, हम आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मुक्ति दिलाए कि मैं दावे के साथ के था। दोस्तों, लेकिन आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि को एक प्यारा सा लाइक कुछ नहीं कहा। मुझे खुशी होता कि आप वीडियो को लाइक करती हैं, हमें खुशी होता है और भगवान को परखना आप सबके लिए करती थी कि हे भगवान, सबके घर में बराबर खुशी देना, किसी के घर में खून का दीपक जलाए मत देना। मेरे प्यारे मित्रों, हम भगवान से आप सबके लिए देर रात दुर्गा और प्रार्थना करती हूँ चखने की जिंदगी में बराबर खुफिया देना। तो दोस्तों, पहले आप सभी को बता दे कि मात्र 72 घंटे के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति से आपकी कुंडली में कलाइयों को बनेगा। दोस्तों, मात्र 24 घंटे के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति से आपकी कुंडली में कला योग बनेगा। कला योग के प्रभाव से रुपया पैसे और कैरियर के मामले में लोगों को वजह से लाभ होने वाला हूँ। दोस्तों, सभी 12 राशियों पर कलाइयों को का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ राशि के बारे में हाँ को जानकारी दे रही है।
इस राशि के जातक के जीवन में तरक्की से भरा होगा आर्थिक मामलों में, तरक्की से भरा होगा कारोबार में, इनकी अच्छी कमाई होगी और करियर में सफलता मिलने की जबरदस्त योग बन रहे थी दोस्तों, क्योंकि कलयुग में पहली बार कई साल बाद आपकी कुंडली में जैसा माहौल एटीट्यूड योग का निर्माण होने जा रहा था। जब आपकी कुंडली में कला योग बनेंगे तो इससे पहले आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ संकेत दे रही थी। आपका बीच का प्यार आपके पास खुद चलकर आएगी दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब कलाइयों पर का निर्माण सुदर्शन क्रिया योग आपके करियर व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देंगे दोस्तों। कुछ या योग होने से आपको सावधानी भी लेकर चलना होगा, लेकिन इससे पहले आपकी कुंडली में शामिल ग्रह और शुक्र ग्रह की शुभता साझा, इसीलिए आपकी जिंदगी में आपके पास या कन्या खुद चलकर आएगी मात्र 72 घंटे के अंदर। दोस्तों आपको बता दें, मात्र 72 घंटे के अंदर कला योग का प्रभाव सब से ज्यादा इस राशि के ऊपर रखने वाले सात शुक्र और चंद्रमा की युक्ति से बनने वाला काला योग के रुपए, पैसे और कैरियर और लव लाइफ के मामले में बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। इस राशि के लोगों को यह समय पश्चात बेहतर सफलता मिलने वाली है। करियर में लव लाइफ में बेहतरीन अवसर मिलेंगे। पोशाक ही कारोबार में भी खूब कमाई होगी। बिजनेस करने वाले लोगों को परिवार और पार्टनर के साथ खुशियां मनाए कि इस समय आप अपने जीवन काल में आपको सबसे बड़ी खुशी मिलेगी कि आप इस समय अपने परिवार के सभी सात लोगों के साथ बैठकर मौज मस्ती करेंगे। सभी अपने आप परिवार में बैठकर घूमने फिरने का भी प्लान बनाएंगे और आप अपने घर पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने का प्लान बनाएंगे दोस्तों। इस समय यदि आपके घर में किसी के विभाग की बात चल रही है तो देखा की बातें फाइनल हो सकती है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा, यह घटना आपकी आंखें फटी की फटी व्यक्ति की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सच सुन रही थी। आपने देखा था मिलियन पर, देखा कि उस पर से बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होने वाला है। मात्र 72 घंटे के अंदर तो मेरे प्यारे मित्रों, इस राशि वालों के होगी आर्थिक मामलों में या शामिल सफलता से भरा होगा दोस्तों। इस समय की गई यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होगी। इस समय काला योग के कारण आपकी कुंडली में बहुत बड़ा मां एटीट्यूड थी नजर आ रही थी खुशखबरी का, क्योंकि कला योग के कारण आपको इस समय आंकड़ा काफी योग बनेगा, जहां यात्रा करते समय आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के मामले में थोड़ा तारीख से लेकर निर्णय लेना होगा आपके लिए शुभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बेचैनी बढ़ सकती है, पर आपको घबराना बिल्कुल ही है। आर्थिक मामलों में बंधन महसूस हो सकती थी, इस समय अंत में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे एवं जीवन में खुशियां प्राप्त होगी। इस समय इस राशि के ऊपर महाबली हनुमान भोलेनाथ का विशेष कृपा रहने वाले हैं दोस्तों। इस राशि वालों के कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन शामिल के अंत में उन्नति होगी। कोई दो प्रोजेक्ट आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आई थी दोस्तों। इस समय आपके जीवन काल में एक से दो प्रोजेक्ट आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा और आपके जीवन में दो से चार बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिलेगी। जैसे आपके जीवन में आपका लव लाइफ में बदलाव होंगे। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि आपके जीवन में यह कन्या खुद चलकर आई थी, जिसे आप सच्चा प्रेम करती है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह कन्या आपके पास खुद चलकर आएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं आर्थिक मामले में। शमी के अंत में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होने लगी थी, जहाँ आपको खुशी महसूस होने लगेगा अगर आप फोकस के साथ अपनी सेहत पर ध्यान दें के तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। इस समय आप अपने जीवन काल में अपने फोकस के साथ अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, तभी आप तंदुरुस्ती बनी रहेगी। आप अपने साथी के साथ शॉपिंग मॉल में देखें कि इस समय आप अपने जीवन काल में अपने सच्चे प्रेमी जीवन के साथी के साथ इस समय शॉपिंग मूड में रहेंगे। परिवार में संतान पक्ष के लोगों से आपको हर मामले में मदद प्राप्त होगी दोस्तों। मात्र 72 घंटे के अंदर की गई यात्राओं में आप सफल रहेंगे। किसी महिला की मदद से आपको अपनी यात्रा के दौरान खुशी प्राप्ति होगी
दोस्तों 72 घंटे के अंदर में आपको कुछ बड़ी खुशी मिलने से आपको खुशी खुशी महसूस होने लगेगा। यह समेत लाभ की स्थितियां दर्शाने वाला माना जा रहा है। तो आपकी कुंडली में यह समय लाभ की स्थितियां दर्शाने वाला माना जा रहा है। अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए बनाने भी आप रखेंगे आर्थिक व इस समय अधिक हो सकती है ही निवेश की तरफ ध्यान देना आपके लिए आवश्यकताएं पड़ेगी। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद मिलेगी, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आपकी तंदुरुस्ती बनाने में आपको मदद मिलेगी। परिवार के साथ आप शांत एकांत समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। यह समय किसी नए स्थान पर आंकड़ा करने का आपका मन बनेगा। आंकड़ा सफल रहेगी। इस समय आपके जीवन में सुख समृद्धि के शुभ योग बनने जा रहे हैं। दोस्तों दावे के साथ कहता हूँ, समय के अंत में आपके चारों क्षेत्र कार्य की कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप काफी बिजी रहेंगे। इस मेट्रो प्रोजेक्ट आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों इस समय आपके निवेश आपके लिए शुभ परिणाम सामने लेकर आएगा। सेहत में काफी सुधार आएंगे। सेहत को सुधारने के लिए आप एक नई शुरुआत कर सकती हैं। आप अपने परिवार के मध्य में मान सम्मान आपका बैठेगा। इस समय आपको चारों क्षेत्रों में खुशी खुशी आपको मिलेंगी। मेधावी के साथ कहता था, क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा होने वाला बदलाव होने की पूरी संभावना आपकी कुंडली में बनाकर लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको डेट पर जा सकती थी। दोस्तों इस समय आप अपने जीवन काल में अपने साथी को लेकर कहीं क्लोन बनाने के लिए आप कहीं डेट पर जा सकती थी। दोस्तों इस समय कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों इस समय आप अपने जीवन काल में हम उम्मीद के साथ कहते ही कि कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। कठोर शब्द का प्रयोग करने से लाभ नहीं होती थी। दोस्तों कारोबार से जुड़ी इस समय आपको लाभ होंगे, लेकिन वाहन चलाते समय आपको बिल्कुल शाखा देखा होगा, तभी आप अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों हाई रेटेड रहे लाइफ में बैलेंस बनाने पर फोकस करें। आपको इस समय पूरी तरह से खुशी ही मिलने वाली है। दोस्तों विदेश की यात्रा के योग बन रहे ही व्यापार आपका अच्छा खेलेगा और आप अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकती थी। आज आपको तारीख मिल सकती है। इनकम बढ़ाने और प्रमोशन पाने के लिए आपको पूरी लगन के साथ ऑफिस टास्क कंप्लीट करने चाहिए। आर्थिक रूप से यह एक अच्छा दिन है। करियर के नए अवसर आपके सामने आ सकती है। दोस्तों इस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। शत्रु कुछ सज्जन आपके पीछे रख सकती थी, जिससे आपको भारी मानसिक तनाव हो सकता था, इसलिए आपको बुद्धि माता से कार्य करना होगा, क्योंकि यहां आपके शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला था, जिससे आपके मानसिक तनाव हो सकती थी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, पर पूरी तरह से आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां आई थी। किसी अभी मित्र से आपकी होगी संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। राजनीतिक में उच्च पद मिल सकता है। किसी अधूरे कार्य पूरे होने के योग आपकी कुंडली में बनाकर व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे। बुद्धि कार्य में संकलन लोगों को उच्च सफलता एवं सम्मान प्राप्त होगा। दोस्तों करियर में अध्ययन से निकटता करके हड़ताल गायक कैलाश खेर ने आदि से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से गलत लोगों को कोई महत्वपूर्ण सफलता एवं सम्मान प्राप्त होगा। लंबी यात्रा श्रेष्ठ नहीं है, पर कुछ छोटी मोटी यात्रा का योग आपकी कुंडली में बंद पारिवारिक बाहर किसी घटना चक्र को जन्म दे सकती है। दोस्तों इस समय आपको परिवार में कोई भी महिला उस समय जन्म दे सकती है। मंगल उत्सव में जाने का निदान देखा, उस समय आपको मंगल ने अथवा में जाने का निपटान का शिक्षा एवं व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास में देती होगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष सुधरेगा। किसी में धन लगाना आपके श्रेष्ठ वस्तु विशेष का लेन देन लाभदायक रखेगा। लाभ का नया स्रोत भी खुल सकता था। श्रम सेंटर से दौड़ धूप के बावजूद लाभ कम होगा, लेकिन समय के अंत में भरपूर लाभ आप सभी को मिलने वाली। दोस्तों इस समय आपको बता दें, सुख उपयोग की वस्तु खरीदारी पर अत्यधिक धन खर्च करने से बचें।
इस समय बेफिजूल की वस्तु खरीदने पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, अनजान व्यक्ति से दोस्ती का खतरा ना उठाएं। नए रिश्तेदारों का आगमन होगा। छोटी सी कहा सुनी बड़ी विवाद का रूप धारण कर सकती थी, इसीलिए सावधानी पूर्वक से ही परिवार के लोगों के साथ बात करें, जिससे परिवार में अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि दोस्तों, यह स्त्री आपको रुपए पैसे से मदद कर सकते हैं। मुश्किल समय में मान लीजिए कोई भी आप मदद मांगते हैं मुश्किल समय में, तो यह अब जरूर ही मदद करने के लिए आगे आएंगे। या फिर दोस्तों, आप जीवन काल में बहुत ही परेशानी में है, मुश्किल में है, तो दोस्तों इस शरत से सलाह मांगेंगे तो या दोस्तों आपको ऐसी सलाह देगी जिनसे कि दोस्तों आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आप इस औरत से दोस्तों प्यार के रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो दोस्तों आपको इनसे किसी दूसरे रिश्ते में जुड़ जाना है, प्यार के रिश्ते में नहीं जुड़ना है। जो रिश्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, उसी रिश्ते में दोस्तों इस औरत के साथ में आपको इस समय जुड़ जाना है। हाँ दोस्तों, फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में दोस्तों इनकी वजह से कुछ बड़े लाभ प्राप्त होंगे आने वाले दिनों में। जी दोस्तों, कुछ से बड़े सहयोग प्राप्त होगा जिनकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। और दोस्तों, खास तौर पर ऐसी स्त्री के नाम की शुरुआत एड़ी पके अक्षर से होता है, जिनकी पहचान आप अच्छी तरह से कर ले सा ही। दोस्तों, अगर आप ऐसी स्त्री को अपने जीवन काल में विवाह करके लाते हैं, तो फिर आपका भाग्य चमक जाता है। यानी कि दोस्तों, जो स्त्री आपकी मन की सुंदरता को महत्व देता है, जो स्त्री दोस्तों आपके मन की सुंदरता को देखते हैं और महत्व देते हैं, बाहरी सुंदरता को एक समय के बाद जो कि ढल जाते हैं, लेकिन स्वभाव जीवन भर का एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर आपके साथ निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस स्त्री में यह गुण है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन काल में ऐसी स्त्री को विवाह करके लाते हैं जो कि दोस्तों गुस्सा नहीं करती है, तो दोस्तों उनसे शादी करने के बाद में आप सभी व्यक्ति का किस्मत बदल जाते हैं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में शांत रहने वाली स्त्री से आपको जीवन काल में अपना विवाह रचाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस स्त्री में यह गुण भी है। साथ ही दोस्तों, धैर्यवान स्त्री, जो भी स्त्री धैर्यवान होते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसी स्त्री से शादी करने से आप सभी व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। और धार्मिक स्त्री, जो कि दोस्तों धार्मिक कार्यों में विश्वास रखते हैं, ऐसी स्त्री से शादी करने पर आपका सोया हुआ भाग्य जा जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर चलने नहीं देते हैं और ना ही चलते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की गुणों वाली स्त्रियों को अपने जीवन काल में आपको पार्टनर बनाने चाहिए। और दोस्तों, यह जो स्त्री है जिनके बारे में हम आपको बताए हैं इस वीडियो में, इनके अंदर दोस्तों कुछ इसी प्रकार का गुण है, जिनसे कि आप किसी भी रिश्ते में इस समय जुड़ सकते हैं, जो कि आपके प्रेम में भी इस समय आकर्षित होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों,
इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ बड़ी सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि दोस्तों कोई भी बड़े व्यक्ति आपको सलाह देते हैं, कोई भी बड़े व्यक्ति आपको कुछ कार्य करने को कहते हैं, तो उनके कार्यों को उनकी बातों को इस समय आपको टालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अन्यथा दोस्तों आप बाद में पछता भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, आप जीवन काल में खुशी से जीवन जिए आने वाले भविष्य में, तो दोस्तों इस समय आपको एक सावधानी बरतना होगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति का आपको इस समय मजाक नहीं उड़ाना है, और ना ही दोस्तों किसी के साथ इस समय आपको छल करना है, धोखेबाजी करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरह के इस समय करेंगे किसी के साथ में, तो दोस्तों इनका बुरा दुष्परिणाम आपको आने वाले भविष्य में मिलने वाले है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री नारायण आपके इस दुष्कर्म को देखकर कभी भी आपको माफी नहीं करेंगे, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों मुझे माफ करना, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में आपकी मृत्यु आपके दुश्मनों के बारे में, आपकी गरीबी आपको कौन धोखा देगा, सारी चीजें बाहर आ गई हैं। दोस्तों आपकी जिंदगी की सबसे काली सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला, दोस्तों हो सके तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी बातें आज आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। दोस्तों जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, दोस्तों मात्र एक वीडियो में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई सामने आ गई है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपकी गरीबी की वजह कौन है, कैसे आप अपनी गरीबी से बाहर आओगे, दोस्तों आखिर फिर आपके सुखवा दिन कब आएंगे, दोस्तों आपको धोखा किससे मिलने वाला है, कौन आपको धोखा देगा, सारी जानकारी निकल कर आ गई है। दोस्तों बस आपको आज के इस वीडियो को डॉट शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, दोस्तों जिस चीज का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे आज वह वीडियो बन चुकी है। दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चक्र जाएगा दोस्तों, क्योंकि ककी सच्चाई ही इतनी खतरनाक है। दोस्तों देखिए, दोस्तों आप काफी सालों से बहुत परेशान चल रहे थे, काफी सालों से दोस्तों आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आपको परेशान कर रही थी। आज इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में भी मैं बात करूंगा आज, आपके जीवन की सारी दोस्तों जो चीज है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, साथ ही हल कैसे निकलेगा इन सारी समस्याओं का वह हल भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी मैं दूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आज की यह वीडियो देख लोगे तो फिर आपको कोडोट काम करना है, आपको मेहनत करनी है, चाहे मेहनत किसी भी क्षेत्र में आप करो, लेकिन मेहनत करो और कुछ पैसा कमाओ, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो लेकिन करिए, क्योंकि अगर आप अभी काम नहीं करेंगे तो बाद में आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, कभी भी शुरुआत बड़े से नहीं होती है। दोस्तों कोई भी डायरेक्ट राजा महाराजा नहीं बन जाता, उसे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों छोटा सा भी काम अगर है तो करिए, छोटा काम करोगे तो ही धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे और बड़ा काम आपको मिलेगा। और दोस्तों आपकी कुंडली में यह साफ साफ लिखा है कि आप बहुत मेहनती हो। वो दोस्तों जी हाँ, दोस्तों आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात
एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए दोस्तों। धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, मुझे पता है दोस्तों। आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वह नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है, इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है दोस्तों। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए मुझे, बहुत जीना है। तो देखिए एक काला सच आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं दोस्तों। आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं है, है दोस्तों। इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों, और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वह है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों। कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहे। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूँ कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्यों कि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का, इसलिए जीवन को सुकून से जिया चाहे। जितने भी आप साल जिए, 20 साल की आपकी जीवनी है,
50 साल की जीवनी और है दोस्तों किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए क्योंकि आपके दोस्त तो कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, आप टेंशन लेते रहते हैं दोस्तों। सच बोल रहा हूँ ना, अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं, दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाँ टूट जाते हैं, अपाहिज हो जाता है, किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं, इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए, तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे, देखिए आप सावधानी तो रखेंगे लेकिन बचेंगे कैसे। आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। यह दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है, तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को लेके। अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढ जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म हैं
वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों, और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित है दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है, लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आप कर्म कैसे कर दो। कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वह एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है। तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूँ, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं है, क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं, जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे मेन जो जड़ होती है धन की वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों, यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर के भी थक जाएंगे। और दोस्तों वह समय कब आएगा, अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय। तो देखिए वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है आपने दोस्तों, हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा आपके जीवन में, पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों में रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है, आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर दोस्तों सब कुछ लिखा आता है। पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं या केवल आपके ऊपर है दोस्तों। तो लक्ष्मी कोडो टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए जो सबसे बड़ी जड़ होते है ना वह है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है, उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है दोस्तों, कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता कता है। इसलिए घर में कुल देवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है, साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी वह हमेशा जिंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है वह तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुलदेवी
और पूर्वजों को मजबूत बनाना है उनकी कृपा। आपको चाहिए होगी कृपा, कैसे मिलेगी ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करे, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करे। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता चाहिए अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना। इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी अच्छा कार्य करे सबसे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुल देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों साल में कम से कम दो बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए। दोस्तों ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुलदेवी देवताओं की कृपा रहेगी और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के देवता का नाम लेकर जाएं। अपने पितरों की भी कृपा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों पितरों की कृपा कैसे होगी, पितरों की कृपा रहेगी। दोस्तों मान लीजिए आपके जो पितर थे वह दोस्तों उनको जो चीज पसंद नहीं थी, मान लीजिए आपका जो पितर है यानी कि आपके जो परदादा जी वह अब आपके साथ नहीं है, वह उनका स्वर्गवास हो चुका है। आपके जो पूर्वजों को जो चीज पसंद नहीं थी वह चीज मत करिए दोस्तों। हाल ही में जो आपके पूर्वज बने यानी कि हाल ही में मान लीजिए आपके दादाजी थे जो अब आपके साथ दोस्तों। बात अब आपके भविष्य की करो कि आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। देखिए बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। कई उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ सकते हैं लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वाला जो समय है वह आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन समय होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में भी बहुत बड़े बदलाव आपके साथ होने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए अब जो भी मैं बात बताने वाला हूँ, क्योंकि यह बातें दोस्तों आपको कोई और नहीं बताने वाला है। साथ ही राशिफल भी दूंगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको, क्या खुशियां मिलेगी, की चीज से आपको दूर रहना है, किस चीज को डोट आपको अपने जीवन में लाना है, क्या चीज आपके लिए लकी होगी, क्या चीज आपके लिए अन्य की होगी सारी बातों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो बस आपको मेरे साथ पूरा का पूरा अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने बेडरूम में यानी कि जहां आप सोते हैं, जहां पर पति पत्नी सोते हैं दोस्तों खास करके वहां पर कभी भी राधा कृष्ण के अलावा किसी और भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आप जहां सोते हैं वहां पर केवल राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों की जो बेडरूम होता है ना वहां पर किसी भी मृत व्यक्ति की यानी कि जो स्वर्गवासी हो चुका है उस व्यक्ति की फोटो नहीं लगाना चाहिए। कई बार दोस्तों हमारे कुछ पूर्वज होते हैं, हमारे कुछ दोस्तों पिछले पूर्व होते हैं, हम उनकी दोस्तों तस्वीर अपने बेडरूम में भी लगा लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे भाग्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और अगर यह कुछ गलतियां आप कर रहे हो तो अब इसे मत करना, इस बात का ध्यान रखना। देखिए आप में से सभी लोग लगभग सभी लोग आप में से दोस्तों सभी लोग लगभग दरवाजे के पीछे कपड़े टांग हैं दोस्तों, लेकिन आप नहीं जानते कि दरवाजे के पीछे
कपड़े टांगने से एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप अपने घर में आपदाओं को और परेशानियों को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी आदत होती है कि हम अपने पहने हुए कपड़े उतार कर दरवाजे के पीछे टांग देते हैं। दोस्तों, लगभग सभी की आदत होती है, खास करके मर्दों की आदत ज्यादा होती है, लेकिन यह आदत को बदल लेना, वरना दोस्तों अभी तक तो चलो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुने। देखिए, जो वास्तुशास्त्र है उसमें यह सारी चीजें बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, जो भी लोग दरवाजे के पीछे कपड़ा टांग है दोस्तों, उसका भाग्य हमेशा उससे रूठा हुआ रहता है, जिसके चलते व्यक्ति चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, फिर भी उसको समय पर सफलता नहीं मिलती है और उसे हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा धन कमाने के लिए भी दोस्तों। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। देखिए दोस्तों, दरवाजे के ऊपरी भाग का जो स्थान होता है वह धन की देवी माँ लक्ष्मी का होता है, आपकी राशि के साथ जुड़ी है तो कारण भी होगा, और यह कारण जो है आपकी स्वच्छता हो सकती है, आपकी भक्ति भावना हो सकती है, आपका समर्पण हो सकता है, स्त्रियों के प्रति आपका सम्मान भी हो सकता है। तो यह जो गुण है आपके, इन्हें आप बरकरार रखिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आ जाए तो अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया, ऐसा मत करिएगा। अब आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं, अंत में उपाय तो हम आपको देंगे ही देंगे, इसलिए आप थोड़ा समय निकालें और आप हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, मौका तो बहुत अच्छा है, शुक्र का महागोचर आपकी राशि के लिए बहुत शुभ साबित हो रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें आपकी तरक्की रास नहीं आएगी, इन लोगों का आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यह केवल और केवल आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष करते हैं, या लोग हमेशा आपको देखकर मोह बनाते हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या बात है, तो यह आपको उल्टा जवाब देंगे। जब आप इनसे और बात करेंगे तो यह कोशिश करेंगे आपकी और इनकी लड़ाई हो जाए। तो इन लोगों के सामने ना तो कुछ बोले, ना तो कुछ रिएक्ट करें, चुप बैठे रहें। इन्हें जब आपकी जरूरत होगी तो आगे रहकर आपसे बोलेंगे, इन्हें जब आपकी जरूरत होगी तो आगे चलकर आपसे बात करेंगे। जिंदगी को शानदार करेंगे और मौसमी परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा बीच में तो स्वास्थ्य बेहतरीन है, लेकिन मौसमी परिवर्तन बेहतरीन नहीं है। कई बार मौसम में कुछ जाने अनजाने बदलाव हो जाते हैं और यही बदलाव हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों घर के बुजुर्ग का इस दौरान बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। घर के बुजुर्गों को इस दौरान संभालने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बह जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं तो चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। वहीं पर आपको घर का मोर्चा संभालना है। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए समय रंगीन है विद्यार्थी, लेकिन प्यार के माया जाल में ना फन से संभावना बन रही है कि प्यार आपको परेशान कर सकता है। संभावना हो सकती है कि प्यार आपको परेशान के साथ साथ प्यार आपको अपने मार्ग से भी हटा दे। अगर आपने अपना कोई लक्ष्य डिसाइड किया है, अगर आपने कुछ सोचा है मुझे बनना है, तो जरा सावधान रहकर अपने माता पिता के सपनों के बारे में विचार करिएगा। इतना ध्यान रखें
साथ ही साथ दोस्तों मौके मिलेंगे, मौके का फायदा उठाना आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करता दोस्तों आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो, लाभदायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।